दोस्तों इस वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सात ऐसी मूवीज जिनके अंदर भाई आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जब आप ये वाली मूवी देख रहे होगे तो भाई आपके भी दिमाग में चलेगा कि भाई क्रिएटर के दिमाग में क्या आया होगा कि उनके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट आया हो। तो ऐसी ही मूवीज कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज की पहली मूवी का नाम है द वांडरिंग अर्थ। ये वाली मूवी 2019 के अंदर आई थी। अब इस मूवी का जरा कॉन्सेप्ट सुनो भाई, कितना ज्यादा यूनिक है। कहानी सेटल होती है काफी ज्यादा फ्यूचर के अंदर, जहाँ पे जो हमारा सन है भाई अब खराब होने लग गया है, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म होने लग गई है, और जो सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग रहते हुए आ रहे हैं भाई, ये रहने लायक अब नहीं बनने वाला है। तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये लोग क्या करते हैं कि पूरे अर्थ के अंदर भाई अलग अलग थ्रस्टर्स इंस्टॉल कर देते हैं और अपने पूरे अर्थ को भाई अपनी ऑर्बिट से हटा के दूसरे सोलर सिस्टम के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे इंसानों के रहने लायक एक बेहतर एनवायरमेंट मिल सके। तो इस मूवी के दौरान जो इनका सफर है, ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, इनका सफर कैसा रहता है, कैसी कैसी मुश्किलों का उनका सामना करना पड़ता है, ये सब हमको इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। तो भाई इमेजिन करो, जो पूरा अर्थ है भाई ये अपने आप में पूरा स्पेसशिप बन चुका है और लोग इसी के अंदर जो रह रहे हैं, इसी के अंदर चलते चलते इसके अंदर ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, इस मूवी का जो एग्जीक्यूशन भाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगा था मेरे को, जिसकी वजह से मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा। अब हालांकि इस मूवी का देखो बजट थोड़ा कम है, जिसकी वजह से इस मूवी के विजुअल्स कहीं ना कहीं थोड़े आपको ढीले लग सकते हैं, लेकिन अगर आप विजुअल्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, इसकी कहानी पे, इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, तो मूवी कहीं ना कहीं आपको जरूर पसंद आ सकती है। तो मूवी भाई एक बार देखना जरूर कंसीडर करना, जब भी आपको टाइम मिले ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म और ये वाली मूवी भी 2019 में आई थी। अब इस मूवी के अंदर बड़ी यूनिक सी जेल दिखाई है। आपने दुनिया भर के अंदर जेल देखी होंगी, अलग अलग तरीके की बनी होती है, लेकिन इस मूवी के अंदर जो जेल दिखाई है वर्टिकल दिखाई है, जिसके अंदर सारे कैदी रह रहे होते हैं। हर एक सेल के अंदर बीच में एक स्क्वायर शेप में होल होता है। अब उस होल का काम क्या होता है, अब उस वर्टिकल सेल के अंदर एक काफी बड़ी टेबल होती है जो कि ऊपर से नीचे जा रही होती है और उसके ऊपर पूरा खाना सजा हुआ होता है। जैसे वो प्लेटफॉर्म अपनी सेल पे पहुंचेगा, वहां पे रुक जाएगा, 2 मिनट का टाइम लेगा, 2 मिनट के अंदर जितने लोग कैदी है वहां पे खा सकते हैं, 2 मिनट के बाद उनको वहां पे खाने नहीं दिया जाएगा। फिर वो प्लेटफॉर्म उतर के नीचे वाले सेल पे जाता है, इसी तरीके से वो प्लेटफॉर्म चलता रहता है। अब सोचने वाली बात यह कि जो सबसे ऊपर का प्लेटफॉर्म होगा भाई उनको सबसे ज्यादा खाने को मिलेगा, जो सबसे नीचे का सेल होगा भाई उसको सबसे कम खाने को मिलेगा। तो इसीलिए भाई जितने भी कैदी होते हैं उसके अंदर अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इन लोगों का स्ट्रगल कैसे होता है, ये लोग कैसे उसके अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको खाना मिलता है, किसको खाना नहीं मिलता है, इन सबका जवाब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। भाई कमाल का कॉन्सेप्ट लगा था, बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपने शायद किसी और मूवी के अंदर पहले कभी नहीं देखा होगा। तो भाई जब भी आपको टाइम मिले इस मूवी को देखना जरूर कंसीडर करना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है व्हाट हैपेंड टू मंडे। ये वाली मूवी 2017 के अंदर आई थी। अब इस मूवी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी वाला हमको कॉन्सेप्ट हकीकत में कभी फ्यूचर के अंदर देखने को भी मिल जाए। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा फ्यूचर के अंदर सेटल होती है, जिसके अंदर दुनिया की पॉपुलेशन आज तक की सबसे हाईएस्ट रह चुकी होती है। जितनी भी दुनिया भर की सरकार होती है सब लोग वन चाइल्ड पॉलिसी लगा लेते हैं, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता। अब ये पॉलिसी लागू होने के बाद भाई एक ऐसी फैमिली होती है जिसके अंदर भाई 7 बच्चे पैदा हो जाते हैं, सातों की सातों लड़कियां होती हैं और सातों की शक्लें भी भाई सेम होती है। तो उनकी फैमिली क्या करती है कि उन लड़कियों के नाम एक हफ्ते के दिनों के ऊपर रख देती है। जैसे एक लड़की का नाम मंडे होता है, एक लड़की का नाम ट्यूजडे, एक लड़की का नाम वेडनेसडे और ऐसी संडे तक चलता है। और जो उस लड़की का नाम है वही लड़की उसी दिन बाहर निकल सकती है, बाकी जो लड़कियां घर पे रहेंगी, जिससे जितनी भी अथॉरिटीज है भाई जितनी भी सरकार है उनको पता ना चल सके कि 7 अलग अलग लड़कियां हैं। सबको ऐसा लगना चाहिए कि एक ही लड़की है जो ये सब जिंदगी जी रही है। अब कहानी नॉर्मल चल रही होती है, सारी लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही होती है अपने अपने दिन के हिसाब से। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे तब हो जाती है जब उनमें से एक लड़की मिसिंग हो जाती है। किसी को पता नहीं होता वो लड़की कहाँ चले गई, उनकी फैमिली को ऐसा भी शक होने लग जाता है कि शायद सरकार को पता चले गया कि वो लड़की एक नहीं है अलग अलग लड़कियां हैं। अब ऐसे हालात में बाकी लड़कियां क्या करती हैं, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है दोस्तों, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, पूरे टाइम आपको हुक करके रखेगा और दिमाग में पूरे टाइम हलचल भी चलती रहेगी कि मूवी का एंड कैसे होने वाला, मूवी का एंड काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, इस बात की भी तसल्ली रहती है। तो ये वाली मूवी भाई जरूर देखना, बहुत सॉलिड मूवी लगी थी, जिसकी वजह से मैं आपको ये मूवी जरूर रिकमेंड करूंगा। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो मस्ट वॉच मेरी नजर में, जरूर देखना। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की तरफ और इस मूवी को तो भाई इस मूवी के कॉन्सेप्ट पे ही बेचा गया है, क्योंकि भाई मूवी का कॉन्सेप्ट सीरियसली बहुत ज्यादा यूनिक है। मूवी का नाम है डाउनसाइजिंग और ये वाली मूवी 2017 के अंदर आई थी। अब इस मूवी के अंदर क्या होता है कि दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, जैसा दुनिया के अंदर हकीकत में प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट लोग क्या ऐसा तरीका निकालते हैं कि अगर इंसानों की पॉपुलेशन को छोटा कर दिया जाए, अगर उनका साइज छोटा कर दिया जाए तो इंसानों की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी, कितना ज्यादा कम वेस्टेज होगा, कितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे और इंसान सस्ते में ही बहुत लग्जरी लाइफ जी पाएगा। तो इस मूवी के दौरान हमको ऐसा ही एक कपल दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि चलो अपने साइज को डाउन साइज करा जाए और जो छोटे छोटे इंसानों की जिंदगी होती है वो जी जाए। तो ये कपल अपने आपको डाउन साइज कराने जाता है, फिर इनके साथ क्या होता है, कैसे कैसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है, कैसे इनकी लाइफ हो जाती है छोटा हो जाने के बाद, ये सब हमको इस मूवी के दौरान दिखाया जाता है। और सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो आइडिया, जो एग्जीक्यूशन है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब इस मूवी अगर थोड़ी सी नेगेटिव की बात करूँ तो मूवी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत स्लो लग सकती है और इस मूवी का एंड भी आपको थोड़ा
डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन मूवी के कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आपको ये मूवी जरूर रिकमेंड करूंगा। बहुत ही ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर ऐसा हो जाए शायद कहीं ना कहीं हमारे प्लेनेट की जो हालत है बहुत ज्यादा सुधर जाए। और जिस तरीके से भाई इस मूवी के अंदर जो पूरा लाइफ स्टाइल दिखाया गया है वो भी बहुत ज्यादा शानदार लगता है, तो मैं आपको ये मूवी एक बार देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस मूवी से भाई बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना, सिर्फ इस मूवी को कॉन्सेप्ट की वजह से देखना, तभी इस मूवी को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो ये वाली मूवी अगर आप देखना कंसीडर करने वाले तो ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का तो कॉन्सेप्ट भाई एक नंबर का है, सीरियसली बता रहा हूँ। इस मूवी का नाम है अपसाइड डाउन। ये वाली मूवी 2012 के अंदर आई थी। अब ये मूवी ना अपने आप में एक लव स्टोरी मूवी है, लेकिन जो इस मूवी का अंदर कॉन्सेप्ट है, जो इस मूवी के अंदर दुनिया दिखाई गई है भाई, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। अब देखो इसके अंदर दिखाया क्या है कि एक लड़का होता है एडम नाम का और एक लड़की होती है ईडन नाम की। दोनों एक दूसरे से टीनेज लाइफ के अंदर मिले होते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं, दोनों की जज्बात बढ़ जाते हैं। अब भाई यहाँ पे यूनिक बात सुनो कि दोनों जो है अलग अलग प्लेनेट को बिलोंग करते हैं। इस मूवी के अंदर हमको दो प्लेनेट दिखाए जो कि एक दूसरे के साथ ऐसे घूम रहे होते हैं, और दोनों प्लेनेट्स की अलग अलग ग्रेविटी है, दोनों प्लेनेट्स की अलग अलग दुनिया है। एक प्लेनेट काफी गरीब दिखाया होता है, एक प्लेनेट काफी अमीर दिखाया होता है। दोनों प्लेनेट्स अपने एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हैं, और जो अमीर लोग हैं भाई वो गरीबों के रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर रहे होते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अमीरों की जिंदगी जीना चाह रहे होते हैं। और लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक प्लेनेट का बंदा दूसरे प्लेनेट के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। तो इन सबके बीच में एडम और ईडन की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ पाती है, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मतलब ऐसी लव स्टोरी भाई मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे को काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा था इस मूवी का, तो मैं जरूर 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 रिकमेंड करूंगा ये वाली मूवी देखने के लिए। दुर्भाग्यवश ये वाली मूवी किसी ओटीटी पे आज की डेट में नहीं मिलती है, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी के अंदर भाई आपको टॉप लेवल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। इस मूवी का नाम है द क्लोन्ड टायरोन, और ये वाली मूवी 2023 की है। अब इस मूवी के अंदर क्या होता है, फाउंटेन नाम का बंदा होता है जो कि अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, थोड़ा गैंगस्टर टाइप का बंदा होता है, उसके कॉन्टैक्ट वगैरह भी इसी तरीके के होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपनी कार के अंदर बैठा होता है और एक बंदा अचानक से उसके सामने आके उसके अंदर गोलियां छन देता है और वो इंस्टेंटली भाई मर भी जाता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि हमको वो अचानक से दूसरे दिन उठता हुआ दिखता है और उसके बॉडी पे एक भी गोली का निशान नहीं होता। अब इसको लगा होता है कि इसने भाई सपना देखा होता है, लेकिन जब इसको गोली लगी थी तो उसके एक दोस्त ने भी वहां पे इसको गोली खाते हुए देखा था। अब इस बंदे के साथ क्या मसला हुआ है भाई इसको भी समझ नहीं आ रहा होता, तो ये पता लगाना चाह रहा होता है कि इसके साथ हुआ क्या था। और उसका दोस्त भी भाई क्यूरियस होता है कि इस बंदे को सारी गोली लगने के बाद ये बंदा उसके सामने जिंदा कैसे खड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये दोनों दोस्त भाई पता लगाने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे भाई ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं भाई एक के बाद एक अलग ही लेवल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलती है। हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि चल क्या रहा है मूवी के अंदर, और मूवी के एंड में आके वो किस तरीके से अनलॉक होती है, किस तरीके से खुलती है मिस्ट्री, वो वाली चीज तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो ये मिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे मिस्ट्रीज है, कि ये बंदा जिंदा कैसे, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। जो एक्टर्स वगैरह का काम है भाई लाजवाब है इस मूवी के अंदर। और जो एंड जैसे मैंने बताया भाई एंड तो बिल्कुल से दिमाग में आएगा नहीं, इस तरीके से मूवी एंड होती है। अब मूवी भाई कुछ इस तरीके से एंड होती है कि पूरी तरह खत्म भी नहीं होती, कुछ मिस्ट्रीज अगले पार्ट के लिए छोड़ दी गई है। तो अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है इस मूवी का, तो ये वाली मूवी भाई मस्ट वॉच मेरी नजर में। मैंने भाई पर्सनली इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करा था, इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी शेयर करा था, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा भाई ये वाली मूवी देखने के लिए आपको। ये वाली मूवी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का तो कॉन्सेप्ट भाई इतना ज्यादा यूनिक है कि मैं इस मूवी के बारे में पहले भी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन फुल वीडियो के अंदर अभी तक कवर नहीं कराया, तो इस वीडियो के अंदर कवर करने के बारे में इसको सोचा। इस मूवी का नाम है द एडजस्टमेंट ब्यूरो, और ये वाली मूवी 2011 के अंदर आई थी। अब इस मूवी के अंदर काफी बड़ा पॉलिटिशियन दिखाया होता है, और शुरुआत में मूवी के एक लड़की से मिलता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी किस्मत में उस लड़की से मिलना नहीं लिखा होता है। भगवान ने उसकी किस्मत के लिए कुछ और सोचा होता है, लेकिन वो किसी तरह से उस लड़की से बार बार टकरा जाता है, और उस लड़की से मिलकर उसकी मुलाकात आगे बढ़ने लग जाती है, उसकी जो लव स्टोरी होती है उससे बढ़ने लग जाती है। लेकिन जो गॉड की इच्छा होती है वो ये नहीं होती कि वो उस लड़की से रेगुलरली मिलता रहे। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो गॉड की मर्जी के खिलाफ होते हैं, इन सबको एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट ब्यूरो बनाया गया होता है, जो इन सारे इवेंट्स में छेड़छाड़ करके हमारी जो जिंदगी है भगवान के हिसाब से कैरी ऑन करता है। तो ये एडजस्टमेंट ब्यूरो जो होता है इस पॉलिटिशियन की जिंदगी में भी चेंज करने लग जाता है, लेकिन भाई इस पॉलिटिशियन को इस चीज के बारे में पता चल जाता है, वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई और इंटरफियर करे। तो ये एडजस्टमेंट ब्यूरो किस तरीके से उस बंदी की जिंदगी में चेंज कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, या फिर पॉलिटिशियन के साथ क्या होता है, उस लड़की की और उस बंदी की लव स्टोरी क्या आगे बढ़ पाती है या फिर नहीं बढ़ पाती, ये सब जवाब आपको मिलेंगे इस मूवी के अंदर। तो मूवी भाई डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती है, और आपको जरूर जरूर रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। आपको बिल्कुल से कोई नई चीज देखने को मिलेगी, एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ये मूवी अगर आपको देखने तो आप जियो सिनेमा पे उसको प्राइम लेके इस मूवी को देखना कंसीडर कर सकते हो। खैर तो दोस्तों ये कुछ मूवीज थी जो मेरे को इस वीडियो के द्वारा रिकमेंड करनी थी। अगर आपके दिमाग में कोई और यूनिक मूवी है जिसके अंदर आपको बिल्कुल से अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।